किसी ने क्या खूब कहा है, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी में देखेंगे कि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तब समय उसे क्या सीख देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हरा कर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ जा पहुंचा। मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं, नवयुवक बोला। मास्टर ने नवयुवक की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक यह देख सब कुछ घबरा गया और बोला, मास्टर ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए, बस अब हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। नवयुवक निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, जो कि किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्धर विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा की एक शिष्य की तरह सीखने और ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको सिखाती है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और मन पर भी कंट्रोल करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मन आपको घमंड की ओर ले जाता है, लेकिन उस ओर नहीं जाना है हमें। हमें और सीखना है, और सीखना है। ये जीवन का यही ज्ञान है कि सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा जो हमेशा कहता आ रहा हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको हर सुबह 5:30 बजे मिले, और आप मोटिवेट होकर दिन भर एक मोटिवेशन में काम करें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।